दोस्तों, फाल्गुन पूर्णिमा पर होलिका दहन किया जाता है और उसके अगले दिन रंग वाली होली खेली जाती है। शास्त्रों में होली का विशेष महत्व बताया गया है। इस बार होली पर पूरे 499 सालों के बाद कई अद्भुत संयोग बन रहे हैं, जिससे इस बार की होली और भी ज्यादा खास हो गया है। इस बार होली पर सर्वात सिद्धि योग, ध्रुव योग और अमृत सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। इन मुहूर्तों को शास्त्रों में विशेष महत्व दिया जाता है और बहुत ही शुभ माना जाता है। शास्त्रों में होली का खास महत्व बताया गया है। होली पर कई प्रकार के उपाय टोने टोटके किए जाते हैं और टोने टोटके के काट भी इस दिन करना बहुत ही कारगर होता है। माना जाता है इस दिन किए गए टोने टोटके कभी भी असफल नहीं होते। शास्त्रों के अनुसार जहाँ होलिका दहन के दिन होली का पूजन करने से घर में सुख समृद्धि आता है और कष्टों से छुटकारा मिलता है, वहीं कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें जाने अनजाने में होली के दिन अगर कर लिया जाए तो इससे पूरे परिवार को नुकसान उठाना पड़ सकता है। जो व्यक्ति इन कार्यों को गलती से भी होली के दिन कर लेते हैं, उनके घर गरीबी और दरिद्रता का वास हो जाता है। उन पर और उनके परिवार पर बुरी शक्तियां हावी होने लगती है, इसलिए होली के दिन इन कार्यों को करने से बचना चाहिए। दोस्तों, कई बार घर के सभी सदस्यों के धन कमाने के बावजूद घर में पैसा नहीं टिकता, मेहनत करने के बाद भी घर में बरकत नहीं होता। इन समस्याओं का कारण आपके घर का वास्तु दोष हो सकता है। वास्तु शास्त्र में कुछ ऐसे चीजों के बारे में बताया गया है जिन्हें घर में रखने से ही धन संपत्ति समस्याएं दूर हो जाती है। तो चलिए जानते हैं उन चीजों के बारे में, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं ये वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। सबसे पहली चीज है स्वास्तिक का चिन्ह। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर का मुख्य द्वार ही घर में पॉजिटिव एनर्जी आने का माध्यम होता है। अतः घर का मुख्य द्वार बाधा रहित, साफ सुथरा और सजा हुआ होना चाहिए। इसके साथ ही धन संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए दरवाजे के दोनों ओर लाल सिंदूर से स्वास्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए, क्योंकि जहां स्वास्तिक होता है वहां मां लक्ष्मी का वास होता है। दूसरी चीज है कछुआ। कछुए को वास्तु शास्त्र और फेंग शुई दोनों में ही महत्व दिया गया है। सनातन धर्म के अनुसार कछुआ शुभता का प्रतीक माना जाता है। अगर जीवित कछुए को पालना संभव ना हो तो पंच धातु का बना कछुआ, जिसकी पीठ पर श्री यंत्र या कुबेर यंत्र बना हो, तो घर के उत्तर दिशा में घर के अंदर की ओर मुख करके रखने से धन की कभी कमी नहीं होता। कछुए को किसी प्लेट में पानी डालकर रखना सबसे अच्छा रहता है। तीसरी चीज है जल का पत्र। उत्तर दिशा को धन की दिशा माना गया है। उत्तर दिशा का तत्व जल यानी कि पानी। अगर इस दिशा में मिट्टी का पात्र, घड़ा या सुराही को जल से भर कर रखा जाए तो धन की समस्या समाप्त हो जाता है, पर ध्यान रहे इससे समय समय पर भरते रहें। पात्र या सुराही कभी खाली नहीं होना चाहिए। चौथी चीज है वास्तु देवता की तस्वीर। वास्तु दोष को दूर करने का एक बड़ा ही आसान तरीका वास्तु देवता की तस्वीर है। अगर घर में वास्तु देवता की तस्वीर लगा दी जाए तो सारी वास्तु दोष स्वतः ही दूर हो जाती है। पांचवी चीज है दौड़ते हुए घोड़े। अगर घर या ऑफिस की दक्षिण पूर्व या किसी साउथ ईस्ट की दीवार पर दौड़ते हुए काले घोड़ों का चित्र लगा दी जाए तो धारा प्रवाह धन का आगमन होने लगता है। ध्यान रहे घोड़े काले या लाल हो, घोड़ों की संख्या 7 होनी चाहिए। छठी चीज है पिरामिड। वास्तु शास्त्र के अनुसार पिरामिड में धन को आकर्षित करने की अद्भुत क्षमता होती है। जिस घर या ऑफिस में पिरामिड होता है वहां अपार धन की प्राप्ति के मार्ग स्वतः ही खुल जाते हैं। इसका सटीक उदाहरण हमारे पुराने मंदिर है जो द्रविड़ शैली में बने हुए हैं। इनका बाहरी स्वरूप पिरामिड के आकार का है और वे विश्व के धनी मंदिरों में गिने जाते हैं। उदाहरण के तौर पर पद्मनाभ स्वामी मंदिर, तिरुपति बालाजी का मंदिर और मीनाक्षी मंदिर। दोस्तों, इन 6 चीजों में से कोई भी एक चीज होली से पहले घर लाएं तो आपकी धन संबंधित सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हैप्पी होली लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।